नमस्कार, मैं दिवांजलि मित्र। देश में कोविड 19 का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना वायरस को हराकर ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही। यही वजह है कि देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में यानी कि शुक्रवार सुबह 8 बजे से शनिवार सुबह 8 बजे तक देश में कोविड 19 के रिकॉर्ड 18,552 नए मामले सामने आए। अब देश में कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा बढ़कर 5,08,953 हो गया। हालांकि देश में अब तक आ चुके 5,08,953 कोरोना वायरस मामलों में लगभग 39% मामले ही एक्टिव हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार सुबह 8 बजे तक देश भर में कोरोना वायरस के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 1,97,837 दर्ज की गई। देश में कोविड 19 की वजह से मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे के अंदर ही पूरे देश में इस वायरस की वजह से 384 लोगों की जान गई। देश भर में अब तक ये जानलेवा वायरस 15,685 लोगों के मौत का कारण बन चुका है। देश भर में कोविड 19 की वजह से सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई। महाराष्ट्र में ये वायरस अब तक 7,106 लोगों की मौत का कारण बना, जबकि दिल्ली में इस खतरनाक वायरस ने 2,492 लोगों की जान ली। इसके साथ ही साथ देश के कुल 5,08,953 कोरोना वायरस मामलों में अधिकतर लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना वायरस से 10,244 लोग ठीक हुए और इस वायरस को हराकर ठीक होने वाले लोगों का कुल आंकड़ा अब बढ़कर 2,95,880 हो गया। देश में अब कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 58% के ऊपर पहुँच गया। तो आप समझ सकते हैं कि देश में कोविड 19 से मरने, ठीक होने और संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या क्या है। तो आप सावधान रहें और सुरक्षित रहें।